नेक्स्ट वन आपका रहता है कि सर्वेयर्स कंपास। ओके, सो सर्वे कंपास आपका बहुत पुराना टाइप का कंपास है, ठीक है। तो ये कंपास बहुत पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता। और होता तो प्रिज्मेटिक कंपास भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये पूरा यूज होता है ना, जैसे इसमें आपका प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म यूज होता है, लेकिन आपका जो सर्वे कंपास है उसमें कोई प्रिज्म नहीं, ये बिल्कुल सिंपल होता है ऐसा। कैन सी हियर, सो कैन सी हियर दैट इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। बट हमारे पास ये सर्वे कंपास नहीं है लैब में, तो वी जस्ट हैव दी प्रिज्मेटिक कंपास। ओके, सो ये आपका बहुत सिंपल टाइप का है, बहुत पहले यूज होता था, बहुत पहले, सिर्फ डायरेक्शन लेने के लिए या एंगल चेक करने के लिए। तो इसमें भी एरर्स काफी ज्यादा आते थे, ठीक है। तो ये वुडन टाइप का आप देख सकते हो, इसमें ये ब्रास की ये ऑब्जेक्टिव और आई वेन लगा रखी है दोनों, है ना। हाँ, आई एम अलाउइंग एवरी वन हु इज अटेंडिंग द क्लास। सो नाउ इट हैज ऑल्सो सम पार्ट एट ऑल इज द बॉक्स, मैग्नेटिक नीडल। ओके, सो पिवॉट, सारी चीजें सेम है इसमें, ठीक है। बट ये है कि इसमें प्रिज्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रिज्म नहीं है, बाकी सब सेम है। अच्छा, आपकी जो रिंग है, जो ये जो आपकी ग्रेविटी रिंग है, तो प्रिज्मेटिक कंपास में आपकी जो रिंग थी इसमें गैप था, राइट। इसमें गैप नहीं है ना, तो ये इसके साथ अटैच्ड है टोटली, ठीक है ना। तो ये मूव नहीं होगी आपकी रिंग, लेकिन आपका प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता था, ये मूव होती थी रिंग जो थी, बट ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकती, है ना। तो इस केस में आपका ऐसे रहेगा, ये सिंपल आपका तरीका है एंगल निकालने का। तो इसमें कुछ तरह की आपकी आती है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आपकी जो रहती है दोनों में लगभग सेम ही रहती है, एडजस्टमेंट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आप इसको साइड पे यूज करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेंटरिंग करनी पड़ेगी। सेंटरिंग का मतलब क्या है कि आप जब इंस्ट्रूमेंट को, जो ट्राइपॉड है, आप उस पे जब सेट करोगे इंस्ट्रूमेंट को, तो तब आपको सेंटरिंग करनी होती है। आपको जो आपका पॉइंट ए आपने मान लिया। ओके, सो इस केस में आपका क्या रहेगा कि जैसे हम इसमें एक होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट और एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपका क्या होता है कि आप सेंटरिंग करोगे, लेवलिंग करोगे, ठीक है, और आपने डायरेक्ट जो है वो अपना सर्वे स्टार्ट कर दिया। परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है वो आपको मूव नहीं करना है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे मैंने पॉइंट ए मैंने चेक कर लिया कि पॉइंट ए से मैं सर्वे अपना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे इसमें मैं दिखा देता हूँ, आपका जैसे ये कोई भी पॉइंट ए है, कोई मैंने मान लिया आपका, जैसे इसमें ये जो आपका लाइन चार्ट दिखा रहा है, मैंने ये पॉइंट ए यहाँ मान लिया, इधर मान लिया मैंने पॉइंट ए, ठीक है। तो पॉइंट ए से मैं बी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रिज्मेटिक कंपास फोकस कर लिया, सेट कर लिया मैंने। अब मैं इसको मूव नहीं करूंगा, मैं यहीं से सारे एंगल्स लूंगा, यहाँ से खड़ा होके, ये लाइन है, 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 ये लाइन है। तो ये आपका होगा परमानेंट एडजस्टमेंट, मतलब मैंने यहीं पे सेंटरिंग कर ली, लेवलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और यहाँ पे फिक्स हो गया मेरा ट्राइपॉड। और टेम्पररी एडजस्टमेंट में आपका क्या होता है कि आप यहाँ से, आपको ए से बी जाना है, फिर आपको एंगल काउंट करना है, फिर बी से डी जाना है, फिर अलग डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन में, ऐसे। तो डू वी कॉल इट एज टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो आपका ये हो गया सर्वेस कंपास, प्रिज्म कंपास। इसमें कुछ चीजें आपको मेन में ध्यान रखनी है कि आप लेवल केस में कैसे करेंगे, निडल आपको चेक करनी है, आपकी साइट विन कैसी है, ठीक है कि नहीं, आपका जो पीवोट है, जो आपका बॉक्स जो है ये तो आपको जब भी आप साइट पर जब भी जाएंगे, अच्छा अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप साइट पे इसको यूज करेंगे, कोई भी कंपास, प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास, तो इसमें आपको चेक करना है कि आपकी ऑब्जेक्टिव वेन, आई वेन जो है, उसकी जो लिंक्स वगैरह है वो टूटे तो नहीं है, स्क्रू तो नहीं टूटा हुआ, जो नीडल है वो प्रॉपर, मतलब इंसर्टेड तो है, लॉक वगैरह ठीक है कि नहीं, ग्लास टूटा तो नहीं है, वो सब चीजें आपको चेक करनी है, तभी आप उसको यूज करेंगे। अब इसमें
आपकी आता है डिफरेंस कि आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपका ये है कि आपकी जो प्रिज्मेटिक कंपास जो है, इसमें जो आपकी नीडल है ये ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, या नीडल ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू सर्वेयर, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आपका रहता है जो आपकी जो ये रिंग है, ये आपकी यहाँ निडल होगी, ये आपकी रिंग है। तो ये आपकी जो जो रिंग है, इसमें क्या होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास आप यूज करते हो वो होल सर्कल बेयरिंग में यूज करते हो, ठीक है ना। और आप जो सर्वे कंपास जो आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे क्वाड्रेंटल बेयरिंग के लिए। उसके बाद जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो आप यूज कर सकते हो, मतलब हाथ पे रख के भी आप यूज कर सकते हो। आपने इसको हथेली पे रखा, इस कंपास को हथेली पे रखा, बट आपका हाथ लेवल्ड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हाथ पे रखे और आप इसको डायरेक्शन आपने सेट करी, भाई मेरा ये यहाँ पे नॉर्थ है और मैंने जो एंगल, जो इस लाइन के एंगल मैंने निकालने हैं, ये भी सर्वे लाइन है, और मैंने यहाँ से इसको घुमाया और देखा कि ये मेरा एंगल आ गया। लेकिन आपको सर्वेयर कंपास में आपको ट्राइपॉड की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये जो सर्वेयर कंपास है इसमें आपको इसके नीचे जगह होती है ट्राइपॉड को इंसर्ट करने की, तो ये घूम के उसे सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ट्राइपॉड की जरूरत है, ट्राइपॉड के बिना आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट आप प्रिज्मेटिक कंपास को बिना ट्राइपॉड के भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो रीडिंग जो आप लेते हो प्रिज्मेटिक कंपास में, तो रीडिंग्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। तो आप प्रिज्म की हेल्प से आप रीडिंग लेते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको दिखाता है प्रिज्म। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये यहाँ पे साफ दिखाएगा कि प्रिज्म में रीडिंग दिखाता है, ठीक है ना, आपका एंगल कितना है। बट आपका सर्वे कंपास है, आपको उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपने सेट कर लिया ये प्रिज्म, आप डायरेक्शन सेट कर ली, अब आपको ऊपर देखना पड़ेगा इसके। आप ये जो स्केल्स वगैरह जो मैं यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, आपको काउंट करने पड़ेंगे, भाई यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ 60 है, ऐसे आपको देखना पड़ता है इसमें। तो उससे क्या होते हैं कि आपके एरर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। कैसे, आपने इसके ऊपर देखा, कई बार क्या होता है आपका लात, आप आपकी आपका फीट लग गया ट्राइपॉड के, या आपका हाथ लग गया, ठीक है, उससे आपकी डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो इसमें कई सारे चांसेस होते हैं एरर्स के। उसके बाद आपकी जो साइटिंग वेन जो होती है, इसमें जो साइटिंग वेन आपकी जो है, जहां से आप देखते हैं, ये आपकी साइटिंग वेन होगी और ये आपकी ऑब्जेक्ट वेन होगी। तो जो आपकी साइटिंग वेन होती है उसमें आपका क्या होता है, ये आपका आई वेन होगी या आपकी ओजेटिव वेन होगी। तो ये आपकी जो वेन है इसमें आपका थ्रेड होता है, वर्टिकल थ्रेड होता है आपका इसमें, है ना, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है, इसमें छोटी सी स्लिट होती है। स्लिट कैसी होती है, इसमें आप जैसे मैंने इसमें देखा, ये स्लिट दिख रही है आप लोगों को, ये स्लिट है, यहाँ पे हल्का सा मतलब गैप होता है ताकि आप इसको देख पाए, यहाँ से आप इस थ्रेड को देखते हो, और वो थ्रेड इस एंगल की डायरेक्शन में दिखाता है प्रिज्म की हेल्प से, और वो एंगल आपको करेक्टली शो करता है प्रिज्म में, ठीक है। बट लेकिन जो साइटिंग वेन का जो तरीका है आपका सर्वे कंपास में, वो डिफरेंट है। वो कैसा है कि आपको क्या है कि इसमें एक मेटल वेन होती है छोटी सी, और उसके थ्रू आपको करना पड़ता है, और फिर आप उसको, ना इसमें मिरर है ना प्रिज्म है, ना आप इसको ऑटोमेटिकली देख सकते हो। आप ये नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली रीडिंग भी ले रहे हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट भी कर पा रहे हैं वेन की हेल्प से, और आप रीडिंग भी ले रहे हैं, तो आप इसमें केस में नहीं हो सकता। इसमें आपको बाइसेक्ट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो रिंग है इसमें कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है सर्वेयर्स कंपास के बीच में और प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में। तो इसके जो टाइप्स वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, मैं सबका क्वेश्चन पूछ लूंगा धीरे करके। उसके बाद आपका इसमें एक कंपास सर्वेइंग आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कंपास सर्वेइंग में एक ट्रैवर्सिंग आती है, कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ओपन और क्लोज ट्रैवर्सिंग। तो मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि जब आप ए पॉइंट से जब ट्रैवल सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं तो आप मेजरमेंट लेते रहते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो आप किसी और पॉइंट पे जाके रुकते हैं, उस केस में यू विल कॉल इट एज ओपन ट्रैवर्सिंग।
और क्लोज ट्रैवर्सिंग क्या मतलब है, जब पॉइंट ए से आपने स्टार्ट करा और आपने सर्वे के पॉइंट्स ले लिए काफी सारे और वापिस ही आप पॉइंट ए पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था और वापिस वहीं आ गए, तो यू विल कॉल इट एज क्लोज ट्रैवर्सिंग।